अभी हम लोग अब पढ़ेंगे टोटल एलियंस की बोन, ये वर्ड कहाँ कहाँ पर है, इसके लिए क्या क्या मेडिसिन्स है। ऑरम मेटेलिकम, ये मेडिसिन सिफिलिटिक एंड मर्कुरियल अफेक्शन ऑफ द बोन्स है। ये मैं देख रहा हूं, ये हेड जो है ये मर्कुरी अफेक्शन है। सिफिलिटिक है ये इरोजन है, खा गया है, समझ में है। तो पेशेंट को पहले समझना पड़ेगा मर्कुरियल इफेक्ट है या सिफिलिटिक इन्फेक्शन अफेक्टेड है। इरोजन है, खा गया है, देन वी गो फॉर द ऑरम मेटेलिकम। और एक ऑरम मेटेलिकम है कैरिजन ऑफ द नेजल पैरेटिना एंड मास्टॉइड बोन, ओजिना, ऑटोरिया, एक्सेसिव फैटिक डिस्चार्ज, पेन्स वर्स एट नाइट, ड्राइव टू डिस्पेयर अमर। इसके सबसे बड़े जो होता है नेजल पैरेटिना में इरोजन और कैरिज हो जाएगा, सड़ने लगेगा, गंद आ गया। तो मेन थिंग ये सड़ा हुआ घाव अगर आपको आ रहा है, गंद आ रहा है, देन यू गो फॉर ऑरम मेटेलिकम। कैल्केरिया कार पेशेंट को पहले ही देखते पहचान जाओगे, हेड बड़ा हुआ रहेगा और पेट निकला हुआ रहेगा, पैर हाथ से पतले रहेंगे, बोन सॉफ्ट एंड डेवलप वेरी स्लोली, बहुत स्लो डेवलपमेंट होगा, दैट इज दी कैल्केरिया कार। कैल्केरिया कार में बहुत स्लो डेवलपमेंट रहेगा, डेवलपमेंट अच्छा नहीं रहेगा। और कैल्केरिया पास जस्ट उल्टा है इसका, मैं दिखाता हूँ। कैल्केरिया पास में क्या है, रिकेट्स रहेगा, कार्नियल बोन्स, हाथ पैर पतले पतले रहेंगे और बड़ा रहेगा, ब्रिटेजर होगा। फॉन्टलेस एंड शटर्स रिमेन्स ओपन टू लॉन्ग टू क्लोज एंड री ओपन, बहुत टाइम लग जाता है उसका शटर्स हेड के ऊपर। डिलेड एंड कॉम्प्लिकेटेड टीथिंग, दांत निकलने में काफी देरी होना। स्पाइन वीक एंड एक्सपोज टू द कर्वेचर स्पेशली ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में वो मुड़ जाता है, कर्वेचर हो जाता है। अनेबल टू सपोर्ट बॉडी, नेक वीक, अनेबल टू सपोर्ट हेड। कैल्केरिया पॉज पहचानने का तरीका है, बहुत लंबा है एंड बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाता है। गर्ल्स प्यूबर्टी टॉल एंड ग्रोइंग रैपिडली, टेंडेंसी टू बोन आर सॉफ्टन और स्पाइन टू कर्व, नॉन यूनियन ऑफ बोन्स प्रमोट्स द कैलियस। उसकी लंबाई तो बढ़ जाती है लेकिन बहुत वीक रहता है वो। फ्लोरिक एसिड, फ्लोरिक एसिड मैं बताता हूँ, जहां कैरिज हो, बोन कैरिज का जहां प्रश्न उठता है, ऑरमेट तो है ही है। फ्लोरिक एसिड में इरोजन बहुत ज्यादा रहता है, नेक्रोसिस होता है, स्पेशली लॉन्ग बोन्स, सोरिक एंड सिब्रिड के, एब्यूज ऑफ मर्कुरी और साइलेशिया, एक्सट्रोसिस ऑफ द बोन ऑफ द फेस। अगर चेहरे में अगर बोन ऐसे निकला हुआ है, दैट इज द फ्लोरिक एसिड एंड दूसरा इज हेक्लर लावा। तो ये ए वास्कुलर नेक्रोसिस, हमको ये वर्ड ले लो नेक्रोसिस, कैरिज एंड नेक्रोसिस जहां पर आया, नेक्रोसिस ऑफ द एवियन केसेस में भी, ए वास्कुलर नेक्रोसिस में भी आप बहुत सरलता से आप यूज कर सकते हो, असरते पेशेंट हॉट होना चाहिए। इपिका जनरली हम लोग जानते हैं इपिका उल्टी के लिए है, ऐसा कोई बात नहीं है। इपिका पेन एज ए बोन वेयर ऑल टर्न टू पीसेस, पैर के हड्डी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, ब्रोकन, तब समझना चाहिए इपिका। दूसरी मेडिसिन है यूफ्रेशिया। मेजेरियम, ये लॉन्ग बोन में पेन होता है, यानी पेरिस्टोनियम बोन में पेन होता है, बोन स्पेशली लॉन्ग बोन्स इन्फ्लेम एंड स्वेलिंग, नाइटली पेन इन गोइंग फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, आफ्टर एब्यूज ऑफ मर्कुरी, आफ्टर वेनल डिजीजेस, कैरिज, एक्सट्रोसिस, ट्यूमर्स ऑफन फ्रॉम ए विद इन आउट। मेजेरियम क्या होता है, लंबे बोन है, पेरिस्टोनियम मैंने घुटने से नीचे की ओर कि पैरों में काफी जोर से दर्द होना, ये जैसे पेन ऑफ द पेरिस्टोनियम लॉन्ग बोन्स वर्स एट नाइट, रात में बहुत ज्यादा हो रहा है, लिस्ट लिस्ट टॉच इन डम डम वेदर। फॉस्फोरिक एसिड, इंफ्लेमेटरी बोन, इंफ्लेमेशन ऑफ बोन्स, पेरिफेरल साइकोटिक एंड सिफिलिटिक मर्कुरियल, पेरिस्टोनियम इन्फ्लेम्ड एंड पेन, बर्निंग, टेयरिंग एंड स्क्रैप्ड विद नाइफ, चक्कू से छीला छीला जा रहा है जैसे दर्द होना, ये लॉन्ग बोन्स में होता है। कैरिज, रिकेट्स, बट नॉट नेक्रोसिस, इसमें नेक्रोसिस नहीं रहेगा, खाएगा नहीं, ठीक है, ग्रोइंग पेन रहेगा, बच्चा जैसे बढ़ रहा है
तब आदमी जब बढ़ जाता है इंटरकोस्टल पेन और ग्रोथ के समय में जॉइंट पेन होना, कभी कभी आ जाते हैं तो हम लोग जनरली रेस्ट्रक्स वगैरह दे देते हैं बच्चों का, लेकिन अगर हम ग्रोइंग पेन है देन वी गो फॉर डायरेक्टली कैल्शियम सॉरी फॉस्फोरिक एसिड। सिम्फाइटम फैसलेट यूनियन में जो फ्रैक्चर ऑफ द बोन्स, लेसन पेक्यूलियर प्लिकिंग पेन, फेवर्स प्रोडक्शन ऑफ कैलस एंड ट्रबल ऑफ द नर्वस ओरिजिन, इरिटेबिलिटी ऑफ पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर्स, रिवर्सल पेन आफ्टर वुंड्स आर हील्ड, घाव भर जाने के बाद में भी अगर वहाँ पर जो में पेन हो रहा है तो हो रहा है, ये फ्रैक्चर को हीलिंग करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। और वहाँ पर कैलस फॉर्मेशन मीन्स दोनों हड्डी को जोड़ने के लिए कैलस फॉर्मेशन जरूरी होता है, तो सिम्फाइटम क्या करता है कैलस फॉर्मेशन करके उसको ज्वाइंट करता है। थायरोडियन ये भी मेडिसिन को भूलो मत, थायरोडियन जो मेडिसिन है पेन इन ऑल बोन्स ओवर एजिप ब्रोकन, मानो पड़ेगा हड्डी इतने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और दर्द होना। थूजा फ्लैश फील एज बीटन फ्रॉम द बोन्स, मानो पड़ेगा कि हड्डी को पीटा गया हो, फैटोलेक भी है और स्क्रैपिंग अगर कोई कर रहा है दैट इज रेस्ट्रिक्स है। थैंक यू। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.